हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी व्लॉग मैंने रैंडमली स्टार्ट कर दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं अर्जुन के आउटफिट के लिए फैब्रिक लेने। तो अर्जुन का बर्थडे है, तो एक्चुअली मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अर्जुन का बर्थडे हो चुका है, आपको वीडियो थोड़ा लेट बनेगा। तो मैंने अर्जुन का आउटफिट मैंने बाहर देखे, बहुत सारे देखे, पर मुझे समझ में नहीं आया, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था और जो मैं देख रही थी वो मेरे बजट के बाहर थे, जो मुझे पसंद आए तो बजट के बाहर थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कस्टमाइज़ करती हूँ अर्जुन के लिए, स्क्रैच वीडियो बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा उसको इमेजिनेशन किया, देन इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद मैं एक शॉप पे गई जहाँ पे मैंने अर्जुन के लिए फैब्रिक लेना था। तो यहाँ पे मैं ऑल टाइम आती हूँ और ये बहुत ही अच्छे रेट फैब्रिक देखते, बहुत ही फैंसी फैब्रिक इनके यहाँ मिल जाते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट, मतलब कि हम क्या फैब्रिक लेते हैं इसके लिए। तो मैं दो दिन पहले यहाँ पे आई थी तो मैं देख गई थी कुछ फैब्रिक्स, मैं इनको रखवा गई थी निकाल के। देन नाउ हम इस बार नीरज के साथ आए तो देखते क्या बड़े लोगों टाइप का नहीं लग रहा, सेव वाले टाइप कुछ और दिखाओ। हाँ वेलवेट में दिखाओ, ये तो देखे गए तो उस दिन, ये भी उस दिन देखा था मैंने वाइन। और दिखा और कुछ भैया, वो ग्रीन वाला उठाना ऊपर, कौन सा ग्रीन वाला? हाँ। ये तो जुगली जो ब्लू बनवाया ना, बनाया था वो वही वाला कपड़ा है ना, वैसे ये कपड़ा नहीं, ये फैब्रिक अच्छा नहीं है। दो मिनट बाद देखो ऐसे हो जाता है, ये खराब होने लगता है कपड़ा। तो और दिखाओ कुछ, इसमें और कलर है क्या जो बीच में रखा है? रानी वाला? हाँ रानी के ऊपर जो बीच में मैजेंटा टाइप का रखा है कुछ, मैजेंटा टाइप का वो क्या लगा, नेवी ब्लू ब्लैक है और ऊपर का बॉर्डर नहीं अच्छा लग रहा है, ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ ब्लू ही अच्छा लग रहा है। और तो कौन सा बोल ये वाला इनका क्या रेट है? आपको लगेगा 280-350। ये कौन सा बेटर लग रहा है तीनों, ज़्यादा अच्छा देखो, जब तीनों पड़ गए हैं तो अलग लग रहा है, वैसे ये अच्छा लग रहा था पहले। हाँ हमें ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, तीनों पड़ने के बाद जो है ये। इसका अर्ज कितना है? नॉर्मल अर्ज है तो ना, इसका डेढ़ नहीं होगा ना पूरा, डेढ़ से कम होएगा, ये है डेढ़ तो थोड़ा ही बहुत कम होगा, थोड़े बहुत कम होगा ना डेढ़ इन दस हाफ कितना। और इसके अलावा और दिखा दिए तो मतलब है ही, और दिखा दो थोड़ा सा, उसके अलावा और कुछ अच्छा लग जाए तो, इसी टाइप से दिखा दो सोबर टाइप के कपड़े। अर्जुन जाना नहीं बेटा कहीं, इस टाइम में बनाएंगे नहीं, ये हम बना चुके अर्जुन के लिए पैटर्न वाला, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है बहुत, है ना देखो, है ना जो बना चुके ना, ये सेम ही पैटर्न तो बना ब्लू पे, डॉट्स पे बनाएंगे, डॉट्स पे नहीं बनाना है, टाइप वेलवेट में नहीं, वो भी नहीं जिसमें डॉट्स वाले नहीं, कुछ यूनिक टाइप का कपड़ा दिखाओ, ये सब नॉर्मल पैटर्न हो गए। इसमें कोई और कलर है क्या? लास्ट कलर बचा नहीं, वो नहीं, डिजाइन मिल जाएगा, मल्टी बना लीजिए फिर मैंने। हां मल्टी नहीं अच्छा लग रहा, नहीं वो भी नहीं अच्छा लग रहा, ये बना लीजिए वाइट ब्लैक। उसका क्या रेट है? इसका थोड़ा कॉस्टली आएगा। कितना कॉस्टली? आरज बहुत है पर इसका, कितना आरज है? नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, इस ये तो इससे अच्छा तो ये लग रहा है ना, ज़्यादा बेटर लग रहा है वो, बिकॉज ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है, बनने के बाद तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, ये ब्लैक ना। सोच तो रहा पार्टी वेयर वाला, हाँ वो पार्टी वेयर कोट टाइप का बना दीजिए, ठीक अस्तर लगा के बना, मोटा अस्तर लगा के तो बहुत अच्छा लगेगा। शेरवानी जॉर्जेट पे थोड़ी अच्छी लगेगी, हाँ शेरवानी थोड़ी जॉर्जेट पे अच्छी, ठीक फैब्रिक दिखाओ जो ठीक हो थोड़ा सा, वो नहीं वो लहंगा पैटर्न्स है, शेरवानी में अच्छा लुक आएगा, हाँ नहीं अच्छा लग रहा है ना,
आजकल कुछ भी बचा नहीं, सब जगह कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं डाल दिया गया। हाँ। एक बार आप देख लीजिए तो उसका रहन दिखाओ जरा। अरे वो वाला पैटर्न है लहंगे वहंगे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब लहंगा वहंगा के साथ सूट उसके लिए अच्छा है, ब्लाउज वगैरह के लिए है ना ऐसे अच्छा नहीं, शेरवानी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कोई बड़ा पहन। हाँ वो अच्छा लग रहा है मुझे इसमें, मुझे कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, एक वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा, मुझे तीनों ही अच्छा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है ये वाला? इसका क्या कपड़े का क्या प्राइस है? इसका आपको लगेगा 250। ये वाला 280 लगेगा। महंगा है उससे? वो फाइनल का है तो ये भी 250 मिलेगा। ले लो कोई, इसमें जो पसंद करना ले लो। हाँ ये भी 250 लगेगा, ये 200 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये आउटफिट के लिए सिलेक्ट किया था, ये ब्लैक था और ये ब्राउन वाला, मैंने ब्राउन नहीं था, पीच ब्राउन नहीं है, पीच कलर है, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है इस पर, ये एम्ब्रॉयडरी हुई है गोल्डन करके धागे की, बहुत ही यूनिक पीस है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया था उनके लिए, देन इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कटिंग, फटाफट से मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। फुटवा से आपके लिए क्या क्या लेके आएगी बताइए जरा, आपको कुछ बताया उसने? अज्जू का लास्ट मिनट वाला आउटफिट है कि लास्ट मिनट में एक दिमाग से आया कि चलो कुछ अच्छा सा बना देती हूँ मैं, क्योंकि बाकी कॉमन चीज़ें तो अज्जू के पास बहुत सारे कपड़े हैं ये सब लेने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे हैं, कि ये जो कैजुअल्स कपड़े होते हैं जैकेट जीन्स टी शर्ट वगैरह, तो मैंने सोचा कुछ अलग सा आउटफिट बना देती हूँ और जिनके लिए अज्जू आराम से वेफर्स के मज़े ले रहे हैं, अज्जू को बहुत पसंद है ये वेफर्स, पंजाबी वेफर्स। और चलो मैं फटाफट इसको कट कर लेती हूँ, देन इसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पूर्ति आ गई है, आज ये 2 तारीख है और कल बर्थडे है अर्जुन का, रात के बज गए हैं 8 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्टिचिंग। तो मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं बहुत सारा काम करने के फिनिश करने के बाद, सफाई फाई करने के बाद ही मैं आई थी, मेरा बहुत बुरा हाल था, यहाँ बहुत ठंडी भी बहुत हो रही है। तो लास्ट मिनट में मैंने आउटफिट रेडी किया, देन अब आप अर्जुन का आउटफिट देख सकते हैं। तो ये आउटफिट है अर्जुन का जो रेडी होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने ये कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप की शेरवानी बनाई, नीचे बलून प्लांट बनाई और जिसने भी देखा उसने बहुत तारीफ़ की। और अज्जू के ये पिक वो जो वो वीडियो लगाया मैंने बर्थडे का लगाया, आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।